subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी कल जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एरी एक टीवी चैनल है, बड़ा मशहूर टीवी चैनल है वहाँ पर, उस पर इंटरव्यू वो दे रहे थे और उन्होंने दो तीन बातें कहीं। एक तो जो वो बहुत घबराए हुए थे कि अपोजिशन पार्टी वालों ने सेनेट में उनके वो दो रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिए जिसकी वजह से जो कि फैटफ की मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर में, उसमें उनको ये उम्मीद थी कि हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। मुझे एक दो सज्जनों ने पूछा कि फैटफ का मतलब क्या होता है, मैं समझा दूं। इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पेरिस बेस्ड है, 1989 में शुरू हुई थी, इसके 39 मेंबर्स हैं और दो ही दुनिया में ऐसे कंट्री हैं जिनको इन्होंने टोटल ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है और जब ये किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो उसका अफेक्ट IMF, एशियन बैंक और कई बैंकों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो उस कंट्री को नहीं पैसा देना चाहते जिस कंट्री को फैटफ अप्रूव नहीं करता। पिछले दो तीन साल से लगातार पाकिस्तान जो है वो इनकी नज़र में है, उससे पहले भी ये रहा नज़र में 4 साल। एक तो ये बात है, एक उन्होंने और बहुत बड़ी बात की कि मेरी गवर्नमेंट से और मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैंने शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर्स ने मिसलीड किया। एक यहाँ पर और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप जानते हो कि चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है उसमें भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि इनको बैलेंस रखना पड़ रहा है चाइना और अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो डेट है वो है कोई $256 बिलियन का, विच इज़ इक्वल टू 98.6% ऑफ देयर टोटल DGP। उसमें से बाहर निकलना, और इसमें से मोस्टली वो चाइना को ओ करते हैं पैसा। एक और बात जो मैं पूछना चाहता हूँ ताहिर साहब से, कि तालिबान वालों को पाकिस्तान ने पिछले मंडे ट्यूसडे को वहाँ पर बुलाया, उनसे बातचीत की, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उनसे बातचीत की, उसमें ISI के जो चीफ थे वो भी साथ में बैठे हुए थे। ताहिर साहब आपका स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब। एज यूजुअल हैवी लोडेड एजेंडा है आज का, जो इसमें सबसे रिलेटिवली लाइट बात है मैं उससे शुरू करता हूँ। इमरान खान ने पाकिस्तान के TV चैनल ARY को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने जो NRO के हवाले से या NAB जो पाकिस्तान का एक तरह से पंजाबी में कहते हैं गिची कुटने का इदारा है, उसके हवाले से बात की, तो वो उसमें जब एंकर ने पूछा कि आपने नवाज शरीफ को क्यों बाहर जाने दिया था, तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की इमरान खान ने उसमें। उसने कहा कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी वो हमें यही बताया गया था कि इनकी बहुत हालत ख़राब है, लेकिन वो तो अब बाहर जाके सियासत कर रहे हैं। लेकिन फिर जब एंकर ने मज़ीद पूछा तो उन्होंने ये कहा जी कि मैंने अपने 2 डॉक्टर्स भेजे थे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नवाज शरीफ की हेल्थ की। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बाय द वे मेरी उस्ताद रही हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, वो और उनके शौहर डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ, तो वो बहुत करीब हैं इमरान खान के, बहुत ही करीब हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। फिर उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर फैसल को भेजा जो शौकत खानम हॉस्पिटल के इन्फेक्शस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। कहने के दोनों ने मुझे ये बताया कि इनके शायद प्लेटलेट्स हैं उनके वो इशू कम हैं, लेकिन इनको और बड़े सीवियर इश्यूज हैं। अच्छा, ये बातें उनके अपने डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स में लिख के देते हैं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं इमरान खान, और कह रहे हैं डिटाई के साथ कि जी वो तो हमने उनको ऐसे ही जाने दिया। ऑफ कोर्स जब वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं तो उनकी हालत बेहतर होगी। एक तो उन्होंने इनह्यूमेन तरीके से क्रिमिनल्स की तरह उनको जेल में रखा हुआ था, आफ्टर ऑल वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे ना, फर्क होता है।
अच्छा, सेकेंडली वो वाकई उनके हेल्थ के बहुत सीवियर इशू हैं, शरीर डायबिटीज़ है, हार्ट के उनके इश्यूज हैं, उसमें तो उनके अपने डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके सीवियर इश्यूज हैं, इनको जाने दिया जाए। ये खुद इमरान खान उसी इंटरव्यू में मान भी रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो दूसरी बात कर रहे हैं इमरान खान, ही हैज़ नो आइडिया कि व्हाट ही सेज एट वन पॉइंट एंड व्हाट ही मेंट एट द अदर पॉइंट। खैर ये तो लाइट तरीन बात है, क्रिकेट का इन स्विंग और आउट स्विंग हो जाता है। हाँ, वो तो खैर ये सबसे लाइट टोन की बात है इमरान खान की। डॉक्टर साहब, जो जरा सीरियस बात है वो फैटिव के हवाले से है। जैसे ही इन्होंने अपने सेनेट में इनकी सरकार ने को तकरीबन दो दिन पहले बिल पेश किया, तो अपोजिशन ये कह रही थी कि नैब जो है, गिच्ची कुटने का जो इदारा है, ये जो गर्दन पे शिकंजा है, इसके अख्तियारात कम करें, चूंकि ये ग्रीवियंसेस है प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी की हमारे ऊपर, फिर हम कोई और बात करेंगे। ये था वहाँ पे जा रहा। तो अपोजिशन ने वो दोनों जो बिल, चूंकि वो सेनेट में उनकी मेजोरिटी है, उनकी वैसे भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है इमरान खान की, ठीक, तो उन्होंने वो दोनों बिल इनके जो थे ना रिजेक्ट कर दिए। अब इमरान खान उस सेशन के मेरा ख्याल कपल मिनट्स बाद ट्विटर पे आ गए थे इमीडिएटली, और मुझे याद है कि मैंने ये परसों अपने शो में बात भी की है, जब ये ट्विटर पे आए थे अभी 30 मिनट इनको गुजरे थे जब मैंने शो इत्तेफाक से कर रहा था। तो इसमें ट्विटर में आके इन्होंने अपना गुस्सा निकाला कि बात ये है कि अपोजिशन मुल्की इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है और इनको अंदाज़ा नहीं कि फैटिव कितना ख़तरनाक है, और ये जो फैटिव है अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए तो अपोजिशन इसकी गिल्टी होगी। मैं डॉक्टर साहब सीरियसली वो सोचने लगा था दो दिन पहले ही और फिर कल का इंटरव्यू सुनने के बाद भी रात को, कि क्या वाकई ही अब पाकिस्तान कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जा रहा जो ये इंडिकेशन दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, यानी लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि अपोजिशन की वजह से हम फैटर में चले जाएंगे, मतलब तीसरा कंट्री हम बनेंगे। मुझे ये पैगाम मिल रहा था इनके इंटरव्यू से भी और इनके ट्वीट से भी जी। और उसमें डॉक्टर साहब जो डेप्थ वाली बात यह है कि क्या फिर पाकिस्तान को जो बचाने वाले कंट्री होते थे, जो सबसे बड़ा अमरीका ही रहा है, पाकिस्तान फैटर में की ब्लैक लिस्ट में कभी भी आ सकता था, ग्रे लिस्ट में तो आता जाता रहा ना। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि हमने इनहेरिटेड किया है। अच्छा, ये इनहेरिटेड जो किया है ये पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का मैस है, ये तो पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मैस है, और उसी एस्टेब्लिशमेंट के सबसे उम्दा पपिट तो इमरान खान है, इनसे बड़े पपिट तो पहले भी नहीं रहे कोई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये मैस दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये मैस तो उस एस्टेब्लिशमेंट का है जिसके ये खुद सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तो कहते हुए उनको शर्म करनी चाहिए, अगर इसकी कोई जिम्मेदारी आएगी, अगर ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं आती, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट पे भी नहीं आती, वो एस्टेब्लिशमेंट पर जाती है। तो इस बात की हिम्मत नहीं है, इस सच और इंसाफ की बात करने की इस पपेट प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत ही नहीं है। मैं तायर साहब वो लिस्ट देख रहा था 39 कंट्रीज की जो मेंबर है, राइट, उसमें से मुझे सिर्फ तीन ही ऐसे कंट्री नजर आए, दो ही बल्कि, टर्की एंड चाइना जो इनके साथ हमेशा खड़े होते हैं, राइट। उसमें अरब कंट्रीज भी हैं और यूरोप की कंट्रीज भी हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो इनके साथ खड़ा होगा। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इसको ब्लैक लिस्ट में ना डालें, लेकिन फिर भी जो ग्रे लिस्ट है उसमें से बाहर ना निकालें, कोई ऐसा अंदाज सा हो रहा है। क्योंकि दिखावे के लिए, अब ये तो मानोगे ना, दुनिया में एक दिखावा भी बहुत बड़ी बात होती है। दिखावे के लिए इन्होंने जो पिछले दो वीक्स में जी स्टेप्स लिए हैं, हाँ जी, और ये जो कानून भी पेश किए, चाहे उसके ऊपर एक्शन किसी ने नहीं लेना, किसी जो लीडर जो ये वहाँ पर बहुत बड़े टेररिस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं उनको जेलों में अपने घरों से ज़्यादा सुविधाएं हैं, दे आर डेल्ट मच मोर बेटर देन एट देयर ओन प्लेसेस। तो जब ये सब कुछ है तो वो जो दिखावा होता जी, है जी जी हाँ जी, कई बार आप जानते हैं कि रियल एस्टेट वाले जो होते हैं, हाँ जी, दुनिया में सब जगह, नॉट ओनली इन कैनेडा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट, वो मकान को खूब सजा सजू के बेच देते हैं और बाद में पता लगता है दो साल के बजाय मकान नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये कुछ, आपको ऐसा नहीं लगता, हमारे ना पंजाबी में कहते हैं लपा चोप, जी बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक वो डॉक्टर साहब देखिए बात बड़ी सादा है कि
दिखावे के लिए ये काम बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार नहीं सिर्फ हो रहे हैं, कई बार हाफिज सईद को पकड़ा छोड़ा, वो अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट में जेलों में रहते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो लिमोजिनों में जा रहे होते हैं, फूल दुनिया उन पर निछावर कर रही होती है, लड्डू खा रहे होते हैं, तो इस तरह की सही सिचुएशन है उन सब टेररिस्ट की। दाऊद इब्राहिम का नाम पहली बार पाकिस्तान ने लिस्ट में शामिल किया ये कहते हुए, यानी एक्नॉलेजमेंट करते हुए कि वो पाकिस्तान में है, ये एक इंटरेस्टिंग इमीडिएटली जी उसको डिनाई भी कर दिया कि वो पाकिस्तान या और साथ ये हुआ वो सारी की सारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट से बिल पास करवाना चाहते थे ये भी एक आई वॉश था, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट थी फैटो वालों की कि भाई आपकी पार्लियामेंट भी कहे, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी मुझे ये लगता है जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो ये बार बार अब ब्लैक लिस्ट की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ये लोगों को मेंटली तैयार शायद कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि फैटो वाले भी डॉक्टर साहब तंग आ गए हुए ना, फैटो वालों के लिए भी एम्बेरसमेंट होती है कि भाई आप कितने एक देर तक कितने एक अरसे तक आई वॉश में रहेंगे, क्योंकि फैटफ ने जो इनको रिक्वायरमेंट्स दी थी वो पता नहीं कुछ 27 या कुछ समथिंग थी, उसमें से दो पे एक्चुअली काम हुआ था अब तक, जितनी भी वो रिक्वायरमेंट थी पूरे का पूरा, बाकी काम ही नहीं हुआ था, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। दूसरा फैटफ के लिए एक और मुश्किल है, पहले तो अमेरिकन उनको बिहाइंड द डोर कह देते थे तरीके से कि जी हमें वॉर ऑन टेरर में हमें इनकी ज़रूरत है, अब ये बात भी तय है कि अमेरिकन भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन बहुत इंपॉर्टेंट, IMF उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके पास है, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है, क्योंकि इनको फैटफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट से क्यों खतरा है, पैसे नहीं मिलते ना जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, वरना दे वुडंट केयर, वो कहीं ठीक है आप हमें ब्लैक किया आप उससे भी डबल ब्लैक कर दो, हू केयर्स, ठीक है, लेकिन वो चूंकि ये इनकी वो पाबंदियों से ये मसले हैं। दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ख़राब है, चूंकि आपने अभी $256 बिलियन के डेट्स की बात की, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कह रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान का जो लूटा हुआ रुपया है $200 बिलियन तो ऐसे ही ले आऊँगा, लेकिन इनको $200 बिलियन का पता ही नहीं है कि $200 बिलियन होता क्या है, ठीक है, जैसे वो अच्छा अगर फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का 1.5 अरब रुपये का कोई प्रॉपर्टी अमेरिका इंग्लैंड में पड़ी भी हुई है तो उसकी जो वैल्यू है $US में तो वो तो डिवाइडेड बाय 170 कुछ भी नहीं आती, कुछ मिलियंस में, ठीक है ना जी, तो इनको ये $200 बिलियन तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो डॉक्टर साहब ये जो अब तक का खेल पाकिस्तान का चल रहा था अमेरिकन्स की वजह से चल रहा था और मिडल ईस्ट की कुवतों की वजह से सऊदी अरब UAE कतर इनकी वजह, अब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। चीन का आपने जिक्र किया, चीन का जितना डेट है वो मैं दावे से कहता हूँ आज चीन का फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट नंबर क्या है, फर्ज कीजिए वो $100 बिलियन है फॉर इंस्टेंस, नहीं वैसे एग्जैक्ट 55 बिलियन है जी, लेकिन जो बाकी इन्वेस्ट अभी होना है जी वो 100 को भी पार कर जाएगा, वो मैं ये दावे से कहता हूँ 55 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट मिला के $100 तो वही हो जाता है, $100 बिलियन तो वही हो जाना, ठीक है, चूंकि चीन का तो कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना खौफनाक इंटरेस्ट है, अमेरिकन ने जो पैसे दिए अमेरिकन ने तो खैरात में दे दिए ना, राइट, जो कि सदर ट्रंप ने कहा था 2-3 साल पहले ट्वीट में कि हमने वो जिसे कहते हैं पंजाबी में टट्ठे खूज पैसे पाए जो $33 बिलियन एंड वट एवर ऑन टॉप ऑफ डैट कैश दिया, राइट, चूंकि वो अमेरिकन के लिए तो वो पैसा फ्रेंकली बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, बट स्टिल ठीक है ना, नहीं मेरा मतलब पैसा तो पैसा है, पैसा $2-2 बिलियन करके दिया, लेकिन ये अमेरिकन की दरिया दे ली है मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन चीन में ये दरिया दे ली तो नहीं होती ना, चीन का $33 बिलियन जो है ना वो $133 बिलियन होता है, ठीक है, तो अमेरिकन का $33 बिलियन जो है ना वो खूब खाते में जाता है, तो वो ठीक है उनकी अपनी स्टूपिड पॉलिसीज हैं जो भी अमेरिकन की हैं, लेकिन अब जो है इमरान खान बहुत ही चैलेंज्ड हैं जो सिचुएशन है फैटफ के हवाले से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन उस हवाले से, और अपने वो जो होता है उनकी नाइविटी या उनकी एक कंफ्यूज या उनका एक आई वॉश करने का जो एटीट्यूड है इमरान खान का,
वो फिर ये होता है कि सारी जिम्मेदारी वो डाल दें अपोजिशन पे। अच्छा एक और बात, इमरान खान ने कल के इंटरव्यू में ही बार बार कहा जी कि वो अपोजिशन कंटेनर पर चढ़ जाती है, हालांकि अपोजिशन प्रैक्टिकल कंटेनर पे अभी तक चढ़ी नहीं है, ये खुद कंटेनर का प्राइम मिनिस्टर है। इसका इसकी अपोजिशन ही सारी कंटेनर की रही, तो मुझे हैरत होती है कि इस शख्स को शर्म नहीं आती कि जो हरकतें इसने सारी जिंदगी की और अपोजिशन जो एग्जैक्टली कर भी नहीं पा रही जो उसने किया, और उनको ये वही इल्ज़ाम दे रहा है। एक डॉक्टर साहब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें से कि अब सेनेट और जो पार्लियामेंट है ये मिलकर, वैसे तो मैं टोटल जो होती है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन सेनेट एंड हाउस ऑफ मतलब जो एमपी का जी दोनों जो लोअर अपर हाउस पार्लियामेंट मिलकर पार्लियामेंट बनती है। अब इनकी मीटिंग होने जा रही है अगले वीक, राइट। उस मीटिंग में अगर ये पास हो जाता है तो एक बहुत बड़ा इनको पॉइंट नहीं मिल जाता, और चाइना को भी और टर्की को भी कि देखिए उन्होंने तो कानून बना दिया है, और उनकी जो एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि पार्लियामेंट पास करे वो हो गया। डॉक्टर साहब हो सकता है पार्लियामेंट अगर पास कर देती है तो इनको ग्रे लिस्ट में रहने दिया जाए। हाँ, मुझे इस बात का कम इम्कान नज़र आता है कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो इनकी जो कंप्लाइंट्स थे इन्होंने अभी तक तो उसका शायद 15% भी नहीं पूरा किया जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये चांस है, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर ये पास भी हो जाए पार्लियामेंट से, इसका भी चांस है कि वो फैटफ कहे, क्योंकि फैटफ पर बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल इदारों का, तो फैटफ ये कहे कि नहीं जनाब आप ब्लैक में जा रहे हैं, जो ये मेंट्री लोगों को तैयार करने लगे हैं, क्योंकि ये खुद ही अब दुनिया को बता रहे हैं कि हालात किस, जिसे कहते हैं ना उर्दू में डेंस वर्ड, नहज पे आ गए हैं, यानी हालात किस मोड़ पे आ गए हैं, ये दुनिया को एक तरह से प्री एम्प्टिव इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन ताहिर साहब अगर ये सब कुछ है जी, फैट ऑफ है, और हमें पता है कि इनके ऊपर डेट 98.6% ऑफ टोटल जीडीपी का है, चाइना में मतलब सॉरी चाइना का जो पैसा है वो इनकी इकोनॉमी में नहीं जा रहा। मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप मुझे ज़रा कंफर्म करना, मेरे काफ़ी पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं और कुछ बड़े बिजनेसमैन मतलब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका ये कहना है कि जो वहाँ पर सिख यूनिट्स हो जाते हैं चाइना वहाँ पर आके पैसे देता है, राइट, अपना नाम उन्हीं का रहता है लेकिन उसके बीच में से प्रॉफिट लेता जा रहा है। और बहुत कंपनियों को उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसी कंपनियां जिसको चाइना ने इस तरीके से अपनी जेब में डाल दिया। एंड जी इसमें नंबर वन कितना ट्रूथ है, नंबर दो अगर चाइना की जो इकॉनमी है, सॉरी पाकिस्तान की जो चाइना ही याद आता है, बड़ी इकॉनमी है ना, वो ज़्यादा याद आता है, तो पाकिस्तान की ये जो छोटी इकॉनमी है और वहाँ पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, हाँ जी, जो लोग यहाँ पर पैसा भेजते थे अपने माँ बाप को, जी जी, अब उनको यहाँ तो पैसा वो कम कमा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, पैसा उनका अब ज़्यादा वहाँ पर जाना वो शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये किस तरीके से आपस में बैलेंस करती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात ये है कि जो यहाँ से पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स बैठे हुए हैं उनके पैसे पर ही मुल्क चलाने का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट है वहाँ पर सैडली। पहले तो ये एटीट्यूड पाकिस्तान को चेंज करना होगा, अपनी इकॉनमी को हेल्दी बनाना है, तो क्योंकि उनके अपने अंदर जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होती कोई चांस नहीं है कि वो इकॉनमी हेल्दी हो सके। लेकिन आपने कहा कि ये जो सिचुएशन है ये बैलेंस ऑफ बुक्स के लिए क्या इसका रोल है, बैलेंस ऑफ बुक्स मुझे पाकिस्तान में जो मैंने अभी बात की उस वजह से नज़र नहीं आती कि चूंकि अपनी वहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं है, जो यहाँ से एक्सपेट्रिएट भी पैसा भेज रहे हैं वो भी एक तरह से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, पर देखिए अगर अगर कोई 250 की इकॉनमी है जी, बिलियन की जी, तो उसमें तो एट दी मोस्ट मैक्सिमम बिलियन जाता होगा। अब तो क्योंकि जो ज़्यादा पैसा आता था वो तो आता था मिडिल ईस्ट से जी, जी, वो तो तकरीबन अब बंद हुआ हुआ है, राइट राइट। दूसरा जैसे कि पिछली बार आप हम बात कर रहे जी, थे जी, और आपने कहा था कि जो वहाँ के लोग हैं जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, असली तो पैसा वही है ना, जो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब वो पैसा इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के, ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी है बहुत बड़ी, क्योंकि जो इंडियन भी कॉरपोरेशन हैं वो भी अब
अपना पैसा बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूरोप में और इवन अमेरिका में, हाँ जी वो इन्वेस्ट कर रही है। राइट, अब ये जो पैसा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब आप अपने कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करोगे, दूसरे कंट्रियों में इन्वेस्ट करोगे, जी, जी। तो ये नंबर वन तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, नंबर टू इन्फ्लेशन जो है वो वहाँ पर दुनिया के कहते हैं कि जो बड़ी इन्फ्लेशनों में एक इन्फ्लेशन वहाँ पर पाकिस्तान में है जी। तो ये फिर किस तरीके से, जब मैं तो देखिए मेरा काम, मैं एक ही मुझे फिक्र होता है कि आम आदमी जो वहाँ पर है जी, उसको अगर 100 रुपये का आटा लेके एक टाइम की रोटी खानी पड़ेगी तो वो कैसे होगा। दरअसल पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है बिलाशुबा वो बड़ी खौफनाक लेवल पे जा रही है, और हमारा कंसर्न इसलिए होता है कि हम साउथ एशिया बैकग्राउंड के लोग हैं वहाँ के, ठीक है ना, और फिर वहाँ पे अगर उस रीजन में किसी भी मुल्क का निज़ाम ख़राब होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ख़राब होगा, पाकिस्तान को तो पहले ही ख़राब है, तो उससे रीजन पर भी इफ़ेक्ट होता है डेफिनेटली, चूँकि फिर टेररिज्म बढ़ती है, अनरेस्ट बढ़ता है, तो ये सारी, तो मुझे लगता नहीं डॉक्टर साहब फ्रैंकली कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो माइंड सेट है और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये ठीक होगी ना, तो माइंड सेट ठीक होता नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की माइंड सेट के साथ जुड़ी हुई है, मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, अगर ये माइंड सेट अपना चेंज कर लें तो फिर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होना चाहिए। डॉक्टर माइंड सेट, एक तो क्रिकेटर वहाँ पर बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उसको मतलब इकोनॉमी का तो इतना पता नहीं, दैट्स नंबर वन। दूसरा जो पिछले 50 साल से एस्टेब्लिशमेंट है जो कि बेसिकली इकोनॉमी को चलाने की बात करती है, जी जी, उनका माइंड सेट कौन चेंज करेगा? माइंड सेट जो है पॉलिटिशियन, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है जी लेडी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके मेरे ख्याल बस में कुछ नहीं है, करने को अगर कोई चाहे तो हो सकता है, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट, आप हमेशा कहते हो कि 50 साल से एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, नहीं 73 साल से, 73 ईयर से चला आप पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए ठीक है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट का माइंड जो है वो तो एक सेट पे बैठा हुआ है, तो वो नहीं चेंज होगा, जब वो नहीं चेंज होगा तो फिर आम आदमी जो है वो तो सफ़र करता रहे, डॉक्टर साहब वो तो बेचारा सफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा है आगे फ्यूचर, नहीं नहीं वो और रिसीविंग एंड पे होंगे, यानी और ख़तरनाक सिचुएशन में होंगे। अब इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि हमने ये देखा कि जहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जी, जहाँ पर भी यूथ जो है अनएम्प्लॉयड होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया में कोई भी कंट्री हो, उनको एक्सप्लॉयट करना सबसे आसान है, एब्सोल्युटली ट्रू, जी उनके घर में 5,000 रुपया पहुँचा दो और उनकी जान जो है अपने हाथ में ले लो। अब जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो फिर आने वाले टाइम के ऊपर ये जो आतंकवाद है वो कश्मीर में भी बढ़ सकता है, आतंकवाद बलूचिस्तान के ऊपर भी बढ़ सकता है, NWET के एरिया में भी बढ़ सकता है, हैं तो ये ज़्यादा खतरा नहीं नज़र आता? डॉक्टर साहब देखिए बात ये है कि जो आतंकवाद है या जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में वो तो एक लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कभी भी इतनी ग्रेट नहीं थी, लेकिन इस वक्त वर्स अपने मोड़ पे आई हुई है। ये जो आतंकवाद है इसके लिए भी सम टाइम डॉक्टर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी जो जंगें हो रही थी पाकिस्तान में या जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तो एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी एलिजिबली और ऑन रियल बेसिस भी, ठीक है, मतलब पैसे, आपका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ लैंडिंग मनी तो वह जाती है, जी 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 बिल्कुल, हाँ जी इसमें कोई शक नहीं, राइट, बट एट द सेम टाइम जो उनको इंटरनल पैसा मिलता था उसके ऊपर अब रोक कम हो, मतलब वो कम होगा। देखना डॉक्टर साहब कश्मीर का जो जिहाद है वो भी पैसे से होना था ना, वो तो हर जिहाद पैसे से ही होना, ठीक है, पैसे के बगैर थोड़ा कुछ। अच्छा, एक तरफ तो हम बार बार बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जरा क्या बल्कि बहुत सख्ती कर दी है, इनके लिए मुश्किल हो गया, जो काम ये पहले आसान तरीके से करते थे अब इनको वो करने के लिए और रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास इतने रहे नहीं, दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका हुआ है, पहले जो दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेते थे
पर्टिकुलरली अमेरिकन्स अपने पैटी इंटरेस्ट की वजह से, अब वो भी सिलसिला बंद हो गया। तो आतंकवाद जो है इनकी, या जो दहशतगर्दी है, ये ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन अब वो आगे नहीं चल सकते, रिसोर्सेज कम, दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस बढ़ गई है, लिहाजा बाहर की दुनिया को इनकी दहशतगर्दी का खतरा कम है, कम है, वो तो बात पक्की है। अब इनके अपने मुल्क के अंदर अनरेस्ट और बढ़ेगा, और वो आने वाले दिनों में चूंकि बढ़ता मुझे इसलिए नज़र आता है कि इनकी जो सरकारें हैं वो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये जो लावा है अब अंदर ही फटेगा, ज़्यादा बाहर की तरफ कम जाएगा। ताहिर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस कंट्री में चाइना इन्वेस्ट करता है वो सोचता है कि मैं इस कंट्री से पैसा कमाऊँगा। अब पैसा जो होता है वो कंज्यूमर खर्च करता है, जी जी, जहाँ पर कंज्यूमर का पैसा जो है वो कम हो जाएगा और वो उस ढंग से नहीं खर्च कर सकेगा तो चाइना का इंटरेस्ट वहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है, ये हमने अफ्रीका के कंट्रीज में देखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई भी हो, देखिए महाजन हो, पैसा तो तभी लगाएगा ना जब उसको नजर आता है कि पैसे से पैसा आ रहा है, वो तो कारोबार की एक डायनामिक्स है। अगर पैसे से पैसा नहीं आ रहा तो वाई एनीवन वुड पुट द मनी देयर, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाले टाइम के ऊपर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी, और बीच में ईरान अब आ गया, अब इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें जी जी, तो उसमें जो आने वाली फिलॉसफी, आने वाली जो थ्योरी है, अभी तो थ्योरी है जी जी, जी, वो किस तरीके की होगी? दरअसल बात ये है कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया भर में लगी हुई थी, अब उस इन्वेस्टमेंट को तो चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है, और उस इन्वेस्टमेंट को चैलेंज इटसेल्फ चाइना में है, क्योंकि चाइना की जो अपनी कंज्यूमर सोसाइटी थी, अब आने वाले सालों में कोविड की वजह से, फिर अमेरिकन पॉलिसियां बदलने की वजह से, यूरोपियन यूनियन का रवैया भी चेंज हो रहा है, इन ऑस्ट्रेलिया बदल गया चीन के लिए, तो इन सारी सूरत हाल में तो चीन तो सफरर कंट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, पूरी दुनिया में होगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट डॉक्टर साहब आपको और हमें ओवरनाइट नज़र नहीं आएगा, उसका इफ़ेक्ट कोई आगे दो तीन सालों बाद नजर आएगा। नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन ये जो सिनेरियो है, ये जो कॉरिडोर जी जी, मैं ये कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें डॉक्टर साहब क्या होगा कि जब पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स, लोन या इंटरेस्ट देने की पूरी नहीं कर सकेगा तो चीन का प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ेगा, क्योंकि चीन उन मुल्कों में नहीं है कि जो खाली दोस्ती वोस्ती पर बिलीव करता हो, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी अमेरिकन्स की, अमेरिकन्स को पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं है, ना पाकिस्तान की उनके साथ दोस्ती है, लेकिन अमेरिकन फॉरगिव कर देते थे, मिडिल ईस्टर्न भी फॉरगिव कर देते थे कि चलो भैया अब हमारी जान छोड़ो और ना लो, जो हुआ सो हुआ। चीन की ये पॉलिसी नहीं है, चीन जो हुआ सो हुआ पे बिलीव विलीव करने वाला कंट्री नहीं है, ख़ासतौर पर जब पैसे की बात होती है। तो फिर चीन का जब शिकंजा पाकिस्तान पर बढ़ेगा तो फिर वो वक्त होगा जो अमेरिकन्स का होगा, वो फिर पाकिस्तान से अपनी सख्त से सख्त शरायत मनवाएंगे। उनकी एक बड़ी सख्त शर्त होगी, मैं आपको बता दूं कि ये तुम ना इंडिया के साथ अपना मामला ख़त्म करो। अब पहले तो अमेरिकन्स का ये नहीं होता था, क्योंकि अब अमेरिकन की सिचुएशन डिफरेंट है उस रीजन में। जो जो पोर्ट है जी, वो पोर्ट क्या ये 99 ईयर्स अपने नाम लगवा लेंगे? लगवाने का तो लगवा सकते हैं, लेकिन वो उठा के तो नहीं लेके जाएंगे ना चीन में। नहीं, उठा के तो वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब उस रीजन में आने वाले दोनों में, अगर सदर ट्रंप खासतौर पर रीएलेक्ट हो गए, अगर ना भी रीएलेक्ट हुए तो चीन के लिए प्रॉब्लम है, अगर रीएलेक्ट हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये अमेरिकन और चाइना के उस रीजन में अब काफ़ी टसल है एक लंबे समय तक, आप और मैं और दुनिया देखेगी। देखिए, ट्रंप इलेक्ट हो ना हो जी, डेमोक्रेट्स आए ना आए, जो पॉलिसीज हैं वो अब चेंज नहीं होनी टुवर्ड्स चाइना। किसी China. भी लीडर की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो चाइना के अगेंस्ट पॉलिसीज बदले, दैट्स नंबर वन। क्योंकि अमेरिका में भी जो खास करके जो पॉलिसीज हैं, देखिए मैं तो हैरान हो गया सुन के, अभी सीरिया में अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो जख्मी हुए हैं एक अटैक में जी। मेरे देखिए, मैं आई ओपनली मैं एडमिट करता हूँ, मेरे ख्याल में था कि अमेरिकन डायरेक्ट लड़ाई सीरिया में नहीं लड़ रहे, सिर्फ एयरफोर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने जब ये कल खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई
कि ज़मीन पर भी वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो लड़ाई लड़ते हैं जी। अगर इसके देखिए वो पॉलिसीज तो ना ट्रंप साहब तो चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप साहब का एक बड़ा क्लियर था ये माइंड में कि नंबर वन, मेरा कोई भी अमेरिकन सोल्जर बाहर क्यों मरे जी। उनका मुझे वर्ड याद है, वो कहते थे हम थानेदार नहीं हैं जी, वाई शुड वी गो एंड सेंड अवर फोर्सेस टू फाइट फॉर अदर्स। हाँ जी, लेकिन जब मैंने कल ये देखा तो मेरा ये कहने का कि वहाँ पर कोई लीडर आए इट डजंट मैटर, क्योंकि जो वहाँ पर पेंटागन की पॉलिसीज हैं हाँ जी, और या CIA की पॉलिसीज हैं या FBI की पॉलिसीज हैं, वो तो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बदल सकता। आप हेड बदल सकते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं हाँ जी, उनका तो माइंड सेट जो है ना, जैसे आपने कहा कि ISI का माइंड सेट क्लियर है जी, कि हमने एंटी इंडिया के सिर पर ही अपना खाता जो है वो जारी रखना है जी। जिस दिन वो एंटी इंडिया खत्म हो गया, जैसे आप कहते हो चाइना प्रेशर डालेगा, तो उनका तो उनकी तो रोटी रोजी बंद हो जाएगी, मतलब उस इदारे का 90% काम खत्म हो जाएगा, वही करना वो तो रोटी रोजी खत्म। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात छेड़ी ना अमेरिकन्स की भी, अमेरिकन्स की एस्टेब्लिशमेंट का रवैया थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस वक्त अपेरेंटली लगता है कि वो चाइना के खिलाफ हैं और मेरा ख्याल जाएंगे लंबे समय तक, लेकिन अमेरिकन्स को जो अब तक बचाया हुआ है वो अमेरिका के बड़े जाइंट होने की वजह से अमेरिका बचा हुआ है। अदरवाइज अमेरिकन्स ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर अननेसेसरली वेस्ट किया है दुनिया में, फ्रॉम वियतनाम टू इराक, फ्रॉम कोरिया टू वियतनाम, कोरिया वियतनाम एंड इराक। ठीक है, ये जो मतलब बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मैं इसलिए तीन खासतौर पर कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट बड़ा था, तीन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही खौफनाक पड़े थे, वियतनाम का, अफगानिस्तान का और इराक का, जिसमें पैसा बड़ा साया हुआ 1.3 ट्रिलियन जो है इनके ऊपर लगा। लेकिन देखिए जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है समझता हूँ, वो कोई भी प्रेसिडेंट होता जी वहाँ पर तो उनको अटैक करना ही पड़ना था। नहीं, वो अटैक नहीं है डॉक्टर साहब, सिर्फ मसला अटैक तो प्रेसिडेंट का नहीं फैसला था। नहीं नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो चाहे मैंने देखिए प्रेसिडेंट एक पॉलिसी तो बनाता है। हाँ भाई जी, जी। मुझे याद है कि अप्रैल में इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा कि बंगाल के ऊपर अटैक करना, उसने कहा नहीं, मैं जब लड़ाई लड़ता हूँ तो मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ, इस वक्त हमारे पास नहीं है मौका कि हम जीत सकें, तो जब टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। पॉलिसी जो है ना वो तो एक बता दी जी साहब ने कि हमला करना है, लेकिन आर्मी को भी तो उस वक्त बहुत दुख था कि हमारे होते हुए ये दो बिल्डिंगें ख़त्म हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और ये हुआ क्या अमेरिका में, That was the biggest shock. मैं डॉक्टर साहब उसी, आपने ये बात छेड़ी, ये आर्मी का प्रॉब्लम नहीं था, ये इंटेलिजेंस का फेलियर था। डॉक्टर साहब सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान में जो हुआ 1979 में रशियंस वहाँ पे दाखिल हुए, ठीक है, और उसके बाद अमेरिकन्स ने ये देखा कि वो हम अफोर्ड नहीं करते इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में, पाकिस्तान को उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लाई, और जब पाकिस्तान वहाँ पे जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा बिजनेस रहा है ये वॉर लॉट, जो 1979 में भी हमने देखा और 9/11 के बाद भी हमने देखा। अमेरिकन्स को एक बात समझ नहीं आई, अभी एमी चुआ की एक बुक है ट्राइबल पॉलिटिक्स, उससे पहले स्टीव कोल्स की मैंने को कम से कम 6 किताबें पढ़ी, ठीक। ये वो डॉक्टर साहब लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे जिंदगियाँ गुजारी हैं, खासतौर पर स्टीव कोल्स ने, इनको ये समझ नहीं आई कि ये वहाँ पे यही समझते रहे कि ये सिर्फ तालिबान जो है ये इस्लामिक टेररिज्म है। तालिबान बहुत सारे ट्राइब्स का नाम है, जब वो हमने पिछले शो में थोड़ी सी बात की थी, उनकी लड़ाई अपने ट्राइब के इंटरेस्ट पे और कारोबारी इंटरेस्ट पे होती थी। आज एक ट्राइब जिसका दोस्त है ज़रूरी नहीं कि कल वो उसका दोस्त होगा, कल उसकी उसके साथ दुश्मनी होगी और हो सकता परसों फिर दोस्ती हो जाए। ये सुबह शाम स्टॉक एक्सचेंज की तरह जिस तरह रेट बदलते हैं ना, ये सुबह शाम ये रिवॉल्व होता रहा। अच्छा, अमेरिकन जिसको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट समझ के ही डील करते रहे, और वो पाकिस्तान की
इमा पर करते रहे, यानी पाकिस्तान ने जिस तरह उनको डायरेक्ट किया। तो मैं जो बात पीछे हम किसी और बहस में पड़ गए थे, जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि अमेरिकन्स नहीं समझ सके ना वियतनाम में, ना अफगानिस्तान में, ना इराक में, मिडल ईस्ट में, कि ये सूरत हाल क्या है। अब मिडल ईस्ट में उन्होंने शिया सुन्नी का ही मसला समझा, मिडल ईस्ट में भी अफगानिस्तान की तरह सैकड़ों ट्राइब्स हैं। आज दो ट्राइब दोस्त हैं, कल नहीं है परसों होंगे। ये जो सारी सिचुएशन थी, इससे सदर ट्रंप कह रहे थे कि हमें निकलना है। सदर ट्रंप को कोई मोहब्बत नहीं है कि मैं सारे फौजी ले आऊं, उनको ये समझ आ गई थी सदर ट्रंप को कि इसमें हमारा पैसा ज़ाया होगा और हासिल उसूल कुछ नहीं है। तो इसलिए सदर ट्रंप, लेकिन जॉन बोल्टन और जो इस तरह के लोग थे वो कहते थे नहीं आप लड़ें। मैं भी डॉक्टर साहब समझता रहा बहुत लंबे अरसे तक कि अफगानिस्तान में फ्रैंकली जो लड़ाई है वो इस्लामिस्टों के खिलाफ है, वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे। इनफैक्ट उनको तो कोई भी खरीद सकता था, जब चाहे कोई खरीद सकता था, राइट ठीक है। वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे अपेरेंटली, उनको ईरान ने खरीदा। अच्छा ये जो है ना नाइविटी, ये आप और मैं गुफ्तगू में कर रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी बात है, क्योंकि हमारा तो एक टॉक शो है। जब अमेरिकन्स ये नाइविटी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स उनकी इकॉनमी पर आएंगे, उसके रिजल्ट्स वहाँ पीस ना होना है वो आएंगे। तो सिचुएशन अब ये है कि चूंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, इंडिया भी जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में अब दो प्रेसिडेंट क्यों बैठे हुए हैं, ट्राइब इशूज़ के बेस पे बैठे हुए हैं, राइट राइट ठीक है, और उनके आगे सब ट्राइब्स हैं बहुत सारे, और अफगानिस्तान तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, ठीक है, मतलब रशियंस भी उन पर कब्जा ना कर सके, उनसे पहले ब्रिट्स भी ना कर सके, पाकिस्तान भी नहीं कर सका। अच्छा पाकिस्तान ने क्या किया, एक जो सबसे स्मार्ट रहा है अफगानिस्तान को हैंडल करने में वो पाकिस्तान ही रहा। वजह उसकी ये थी डॉक्टर साहब कि ज़्यादा पश्तून तो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान ने उन्हीं पश्तूनस को यूज़ किया। पाकिस्तान की ये स्मार्टनेस है कि जिस तरह अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डील किया, किसी ने नहीं किया और किसी ने नहीं समझा, चूँकि उनके अपने पश्तून ही तो समझ रहे थे सारा। आईएसआई के ऐसे ऐसे ग्रुप थे, मैं ब्रिगेडियर मंसूर का नाम लेता हूँ, वन ऑफ द की पर्सन अभी भी हैं, वो है जनरल हमीद गुल थे, ठीक है, इम्तियाज वो थे अपना बिल्ला साहब, आई हैपन टू मीट हिम मेनी टाइम्स, ठीक है, ये की प्लेयर्स थे उस वक्त, ठीक है। तो एनी हाउ डॉक्टर साहब ये अपनी जगह पे सारी की सारी बहसें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब जो सूरत हाल है, हम थोड़ी सी शायद आखिर में ये जो अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं इसके साथ अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान की जोड़ते हैं। अब कल भी सदर ट्रंप ने अपने कन्वेंशन में जो तकरीर है उसमें बात फिर कही कि हम वापसी लाना चाहते हैं अपनी आर्मीज़ को। मैं सदर ट्रंप को इस बात का क्रेडिट पर्सनली देता हूँ, बिजनेसमैन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है, मगर उनको ये बात समझ आ गई पर्सनली, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जैसे माइक पॉम्पियो हैं या जो मिस्टर स्पेंसर हैं, इन सब को ये बात समझ आ गई कि भाई कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। हमने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर लूज़ किए हैं फ्रॉम वियतनाम टू अफगानिस्तान, राइट, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अफगानिस्तान वो आखिरी उनकी है जगह, इसीलिए वो जो तालिबान के साथ अब पीस डील है कतरी शहजादों के ज़रिए हुई है, और अभी इमरान खान ने दो दिन पहले अब्दुल्ला से बात की, जो दूसरे सदर हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि वो शायद उनके साथ बात करना उनकी बनती थी, गनी के साथ बात नहीं हो सकती थी, वो उनके साथ ज़्यादा रिफ्ट है, तो उन्होंने उनके साथ ये शोरस दी कि भाई आप इस मसले को हल करें, वो भी जब फैटर से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान का मसला कि अगर पाकिस्तान अब जिस तरह अमेरिकन चाहते हैं हल ना किया तो फिर पाकिस्तान फैटर में फंसा रहेगा। ये भी एक ब्रेन ब्रस्ट के दर्शकों आपने देखा कि जब कोई डिस्कशन होती है तो उसमें से कितने और बढ़िया पॉइंट्स निकल आते हैं। अब जो आखिर में पॉइंट्स निकाले हैं ताहिर साहब ने, इस पर आने वाले टाइम के ऊपर बकायदा एक प्रोग्राम होगा कि ये जो ट्राइब्स की लड़ाई होती है जी, और ट्राइब्स की लड़ाई आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री देखें इराक की तो वहाँ भी ट्राइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और उनकी भी अपनी लड़ाई जो है आपस में चलती है।
तो बातों में से बातें निकलती हैं और इसी तरीके से ताहिर साहब आप उनको इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो बातों में से बातें निकाल लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने का। एक बार आपको जाते हुए फिर टैग टीवी की मैं ईमेल जरूर बता दूं, tagtvcanada@gmail.com। टिल नेक्स्ट वीक हैव ए वेरी वेरी नाइस टाइम। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।